हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हिंदी का रिवीजन शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 भाषा लिपि और व्याकरण का रिवीजन किया था। आज के वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का ही चैप्टर 2 वर्ण विचार का रिवीजन करेंगे। बच्चों, विचारों के आदान और प्रदान का मुख्य साधन भाषा है। भाषा को के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा के लिए हमें लेखन चिन्हों या लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है, अर्थात भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि इसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं। और वर्णों के ही निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला बच्चों आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा, जिसमें आपने आ से लेकर क्षत्र ज्ञ तक आपने उनका अध्ययन किया होगा। अब आते हैं वर्ण को के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। ये बिना किसी व्यंजन की सहायता के, बिना किसी अन्य सहायता के इसका उच्चारण किया जाता है, जैसे आ आ इ ई उ ऊ, इस प्रकार से। और स्वरों की संख्या हमारे वर्णमाला में 11 है। अंग आहा जो कि अयोग वा होते हैं, ये स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप है, लेकिन इनको हम स्वर की श्रेणी में ही रखा जाता है। स्वर के भेद, स्वर के तीन भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ इ उ रि। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये मूल स्वर से इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। मूल स्वर का क्या मतलब है? हर्ष स्वर, जैसे ओम, ये प्लुत स्वर हैं। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में होता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग भी किया जाता है और इनका मात्रा के रूप में भी। केवल छोटा आ ही है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आप इस चार्ट में देखेंगे कि छोटा आ में देखिए मात्रा नहीं, मन और जब। इसी तरह से बड़ा की मात्रा, छोटी, बड़ी, ये सब मात्राएं जिनको आप अपनी बुक में देख रहे हैं। व्यंजन, व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कण से निकलकर मुख से कहीं स्पर्श करते हुए या घर्षण करते हुए या रगड़ खाकर बाहर निकलती, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो अन्य सहायता से या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसमें वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इनमें ये पांचों वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। देखिए, इनका जब उच्चारण होता है तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ को ये टच करते हुए, स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसमें इसके उच्चारण में वायु ना तो मुँह से कहीं स्पर्श करते हुए और ना ही रगड़ खाकर निकलती है, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे यारा ल व। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती हुई ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। अनुस्वार, अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाला नासिक का ध्वनि। इसके बाद हमेशा कोई व्यंजन आता है और जिस व्यंजन से पहले ये आता है उसी व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण नासिक व्यंजन के रूप में ये बोला जाता है। देखिए, इसे गंगा, ठंडा इत्यादि। अनुनासिक, अनुनासिक में देखिए उसमें नासिक की बात हुई थी, यहाँ पर अनुनासिक ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुँह दोनों से बाहर निकलती, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, ये केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही इनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में मिलता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, संभवतः। संयुक्त व्यंजन, बच्चों संयुक्त व्यंजन नाम से ही लग रहा है, इसमें संयुक्त का
मिश्रण है, व्यंजन का मिश्रण है, जिसे क्षत्र ज्ञ और श, इनको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो व्यंजन मिले हुए हैं। देखिए क्ष कैसे बनता, क प्लस श, इसी प्रकार से ज्ञ त्र और श का भी निर्माण हुआ है। हिंदी में कुछ अन्य व्यंजन के संयोग भी ऐसे, देखिए क्य क्य अक्त क्ल, उनके उदाहरण। आप जब इन उदाहरणों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। संयुक्त वर्ण में जैसे समान व्यंजनों के गुच्छ को द्वित व्यंजन कहते हैं, इसमें एक ही व्यंजन रिपीट होता है, लज्जा सच्चा पट्टा, इनको समान व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। हिंदी के कुछ विशेष व्यंजन है, इड़से ढा ओढ़ा, ये विशेष व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अ, देखिए अ, आपने अक्सर आप लोग देखे बॉल टॉफी डॉक्टर कॉलेज इस तरह के शब्द, इसमें देखिए आगत ध्वनि है, इसमें इसमें अ के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनता है, जिसे ज़ा फा, ये अरबी फारसी, ये सब आगत ध्वनियाँ हैं, ये दूसरी भाषाओं से आई हुई हैं। अब व्यंजन का व्यंजन से संयोग, जैसे खड़ी पाई हटाकर, जैसे गा में देखिए खड़ी पाई टाई घुंडी हटाकर का को जब आधा बनाते हैं, इसी प्रकार से बिना पाई वाले व्यंजन ट द ह, ये बिना पाई वाले व्यंजन हैं तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से रा के संयोग से बनने वाले व्यंजन गुच्छों के नियम इस प्रकार हैं कि रा अपने बाद आने वाले वर्ण पर, यदि रा के बाद कोई व्यंजन आए तो रा अपने बाद के आने वाले वर्ण पर रेफ के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे इसमें इस तरह माता तो र प्लस म तो अर्म धर्म। रा से पूर्व कोई स्वर आती है, स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के पैर में लगाया जाता है, इसको हम पदेन कहते हैं। इसी प्रकार से ट ड के बाद र आने से उनका रूप इस प्रकार हो जाता है, देखिए इसमें नीचे रा लगाया जाता है, ट्रेन ड्रम। फिर आते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, शब्दों का वर्ण विच्छेद व्यंजनों को अरहित रूप में और स्वर अलग किया जाता है, इसमें यानी कि स्वर और व्यंजन इसमें अलग किए जाते हैं। देखिए एक उदाहरण देख लीजिए, इसमें काम क प्लस बड़ा आ प्लस म प्लस अ, देखिए व्यंजन है क और बड़ा आ है स्वर, तो व्यंजन को और स्वर को अलग कर दिया गया है। इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो में आपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा कि वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनके और भी उच्छित व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, इस प्रकार से आपने अध्ययन किया। बच्चों इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको जो प्रश्न दिए गए हैं आपके PT1 में वो चैप्टर के बीच से भी दिए गए हैं, तथा इसमें इस बुक के इस चैप्टर के जो लास्ट में जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो राइट रॉन्ग के फॉर्म में हो, उनको MCQs के रूप में बना दिया गया है। सो आप लोग इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। धन्यवाद।